एक बार फिर आपके खिदमत में हाजिर है। गर्मा गर्मी बहुत है और कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। और फिर मैं एक बात कहूंगी, ये वही बच्चे हैं जो एक घर में दौड़ते थे, आज उस घर को जब बेच दिया तो इनकी दौड़ अपनी अपनी सिमतों में चली गई और अब हम इनको कोशिश करें समेटने की। देखते हैं पहल कौन करता है, किसका बड़ा जिगर है, कौन दरगुजर करता है, कौन माफ़ी मांगता है और कौन माफ़ कर देता है। और जो माफ़ कर देता है वो सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर बड़ा किरदार, बड़ा बड़ा होने से नहीं, बड़ा किरदार निभाने से होता है। लेट्स सी, एक बार फिर मैं वेलकम करती हूँ। और मेरी प्यारी बहन, आप क्या सजेस्ट करती हैं, फिर हम आपके भाई की तरफ। मेरा तो भाई ये इरादा है कि अब जो इसके पास दुकान है और दो दो दुकानें हैं तुम्हारे पास, उसमें खर्चा भी चलता रहे और उसका जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें से अरसलान तुम सबके हिस्से लिखते रहो और इस तरह डिवाइड कर दो। इसकी पढ़ाई का अलग है, कल को इसकी शादी होगी, थोड़ा पैसा अलग हो, ये कमाएगा भी करेगा, इस तरह होना चाहिए। अच्छा, आप क्या कहती हैं? नहीं, मैं ये कह रही हूँ हिस्सा दो ताकि मैं अपना घर बना सकूँ। हर महीने जो महाना मिल रहा है उसमें से मेरा मुझे तो कमा कर लो आप। चलो खैर, कोई बात नहीं। आप क्या कहते हैं? आप देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि ठीक है, अब जो बाजी कह रही है हम ऐसे ही कर लेते हैं, क्योंकि अभी बाजी ने मुझे ये भी कहा था कि आप हमें लिख के दे दें, ठीक है ना, कि आप ये सब करेंगे और ये पैसा आप इस तरीके से हमें दे देंगे। तो इस तरीके से फिर हम जो है क्योंकि ज़ाहिर है पेमेंट्स जमा भी करते रहेंगे, प्लस उसको जब भी हम सेल करेंगे इन रिटर्न मैं लिख के देता हूँ, मैं अपनी सिस्टर्स का जो हिस्सा है वो उनको दे दिया जाए। हाँ भाई, ये भाई देखो, अब सोच लिया है। बात ये है कि ज़ाहिर है सब जमाना देख रहा है यार, टीवी पे हम आके बैठे हैं, ये घर का हमारा मसला यहाँ। हमारे घर में क्या होगा फिर? कुछ नहीं सोच रहा है, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। मैं कर रहा हूँ भाई के लिए भी करूंगा, आपके लिए भी करूंगा, सब हो जाएगा। लेकिन मुझे अपनी बहनों का भी सोचना है ना, बस हो गया चल पड़े, अब दोबारा से वही शुरू हो गया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, ये अगर इन्होंने ये फैसला लिया है, आप इस पर एग्री हैं? बिल्कुल, ये सही है। और ये तो हमारे कुरान में है कि हर चीज लिख के होनी चाहिए और गवाह मौजूद होने चाहिए। गुड, भाभी है हमारी, हम कौन सा इनको कोई बुरा बुरा कह रहे हैं, हम तो इससे की बात कर रहे थे बस। अब जैसे ही पैसों की बात आई तो आपकी बहन की सोच ही चेंज हो गई। और देखिए, ये यानी कि वो अच्छी हो रही है तब भी आपको बुरा लग रहा है? नहीं तो भाई, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये वो भी तो सोचे, ये मैंने भी तो सोचे। अच्छा, इनके दिल में पता है कि आप सब वेल सेटल हैं तो आप कुछ ना मांगे, लेकिन एक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से ये राइट है उनका, चाहे आप चाहे वो वेल सेटल हो ना हो, भाई का हक बनता है उनको देना और वो मुतमईन है। आप टेंशन ना ले, आपको भी बहुत कुछ, आप ही के पास है, आपका सोना आपके पास है, सब इनका ही है, सब हमारा घर इनके पास है, ये हमारे घर में रह रहे हैं, ये आप हमारी भाभी हैं, बड़ी भाभी हैं, इज्जत है, बड़ी भाभी है आपको, हमने हमेशा इज्जत दिया देंगे। हम इससे की बात करें तो तल्खी तो आ ही जाती है। आप मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है आपके फैसले, अब आप देख लें। नहीं नहीं, इस तरह करेंगे, देखे बड़ी भाभी जो होती है ना वो सबको लेके चलती है, उसको अपना किरदार निभाना पड़ता है, थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है। आप अपने बच्चों को क्या मोटिवेशनल मैसेज देंगे? कल आपके बच्चे आपस में लड़ रहे होंगे, जब आप आपस में बहन भाई लड़ेंगे तो मेरे ख्याल में हम प्रोग्राम के बाद इनको गले वाले भी लगवाते हैं। इनका सुलहनामा काफी हद तक हमने 80% कर दिया है और अब आप लोग राजी हैं? बिल्कुल राजी हैं, आप राजी हैं? आप खुश हैं? चलिए, अल्लाह खैर करे। पहले होता तो बहुत अच्छा था भाई, कौन खून का रिश्ता खत्म होता है? खून का रिश्ता उनके रिश्ते में भी खत्म हो सकता है। अब आपका थैंक्स के लिए आए हैं, जब भी खून का रिश्ता खत्म होने का, ये सच है बेटा, ये सच है, खून का रिश्ता तुम्हें अंदाजा नहीं है, ये तुम्हारी शादी होगी तुम्हें तब पता चलेगा। अब आपको तो हिस्सा मिल गया, बस बस अब खुश है। अच्छा, इनके अभी जरा से दिल में थोड़ी सी खुनक है और चले ऐसा ऐसा वो रिमूव हो जाएगी। आप लोगों का आने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको इत्तेफाक दे और कोशिश करें दरगुजर से काम लें, क्योंकि आगे आप लोगों ने अपनी फैमिली, इनके बच्चे जब आपस में खेलेंगे तो आप लोगों का इस तरह एग्रेसिव माहौल होगा तो वो आप लोगों को नुकसान होगा। अच्छा जी, इस तरह के मामला जो घर पर होते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको पता है इफेक्टिव कौन होता है? आपके बच्चे। जब माएँ कहती हैं, फुप्पियाँ आई हैं या बोलती हैं आए, ये तो हमेशा आ जाती है, ये वो जुमले जो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे नहीं हैं और घर के माहौल के हिसाब से भी, क्योंकि अगर आपके दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, तो कल आपकी बेटी बड़ी होगी वो भी यही कहेगी कि घर पे फुप्पियाँ आ गई हैं, वो भी मिसबिहेव करेगी। तो कोशिश करें, तालीम तो आप बड़े अच्छे स्कूल में देते हैं लेकिन तरबियत कहीं ना कहीं छूट जाती है। और तरबियत कैसे होती है? जब आप घर में कोई भी मेहमान आए
उनको बच्चों को भी सिखाएं बेटा पानी पूछो, और याद रखना जब घर से मेहमान चला जाता है उसके पीछे उसकी कभी बात ना करो, इससे समझ लो आप अपने घर से रोजी को भेज देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, और बहनों का जो हक है, क्योंकि आज हम लोगों ने जिस इशू पे बात की वो थी प्रॉपर्टी, और डिफरेंट यहाँ पर ऑफकोर्स मेरे बहन भाई मौजूद थे, करेक्टर मौजूद थे, और अपनी तरफ से उन्होंने कोशिश की। ये घर घर की कहानी है देखा जाए तो, और ये इश्यूज़ होते हैं, लेकिन मेन ये है कि आपको उसको सॉल्व कैसे करना है। कोशिश करें अपनी प्रेमिसेस में हल कर दें, और इस दौलत के पीछे खूबसूरत रिश्तों को भूला ना करें, ये बहुत अनमोल होते हैं। समेटना आपको है, मोती बिखर जाते हैं, लेकिन लड़ी में परोने वाला कोई एक शख्स होता है, और वो कोई आपका अपना आपसे मोहब्बत करने वाला, वो सेक्रीफाइस करके कुर्बानी दे के जो है वो आपको एक लड़ी में परो देता है, और वो तस्बीह बन जाती है। यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।